हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पीएफ जो होता है फ्रेंड्स, जो हमारी कंपनी में हमारी सैलरी से जो डिडक्ट होती है, तो पीएफ का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले है प्रोविडेंट फंड। तो ये हमारा कितना परसेंटेज हमारी सैलरी से कटता है फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉय साइड होती है वो 12% कटता है। तो ये जो डिडक्शन होती है वो किससे होती है, हमारे बेसिक सैलरी से होती है। ठीक है, अगर अपनी कंपनी में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर ज़रूर आप मांगिए उनसे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है और आपका कितना पीएफ कट रहा है। ये आप समझ गए फ्रेंड्स कि जो पीएफ होती है वो बेसिक सैलरी पे कटती है। ठीक है, और बेसिक सैलरी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एचआर डिपार्टमेंट ही दे सकती है। तो इसके लिए आपको अपने एचआर से सैलरी स्ट्रक्चर जो होती है, सैलरी जो ब्रेकअप होता है, वो अपने एचआर से आपको लेना होगा, ताकि आप अपने पीएफ के परसेंट को जान सके कि आपकी पीएफ परसेंटेज आखिर कितनी कट रही है। तो पीएफ परसेंट जो हो गया वो फ्रेंड्स, वो हो गया आपका जो डिडक्शन हो रहा है वो एम्प्लॉय के साइड से 12% होता है, और जो हमारे एम्प्लॉयर्स करते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा 13% करते हैं। एक्चुअली वो भी 12% ही करते हैं, लेकिन उनका जो 1% होता है वो एडमिन चार्जेस होते हैं जो लगते हैं। तो पीएफ पे क्या डिडक्शंस होती हैं, किस किस अकाउंट 1 अकाउंट 2 करके डिडक्शंस होता है फ्रेंड्स, वो अलग अलग नेम्स होते हैं, तो उस पर मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि किसमें कितने परसेंट डिडक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो मेनली मेरे इसमें ये बताना था कि आप लोगों को कि पीएफ परसेंटेज कितने डिडक्ट होते हैं, वो बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता है अभी तक, और जो एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें अपने एचआर से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही उन्हें सैलरी स्ट्रक्चर मिल पाई है, तो उन्हें मालूम है नहीं कि किस पर से कट रहा है वो, मतलब कि उसका जो डिडक्शन है वो किस पर होता है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।